क्वेश्चन 38 में इलेक्ट्रॉन दिया है, उसका मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट बोला है बच्चों, ठीक है, और आई पे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में है, माइनस लिखा है और आई लिखा है, टी इक्वल्स टू जीरो पे समझ लो कि लैम्डा नॉट इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉय पढ़ते हैं इसको वैसे तो, और डी ब्रॉय वेवलेंथ अपन को टाइम टी पे बताना है। पहले समझ लेते हैं अपन, लेट से इस जगह पे टाइम टी इक्वल्स टू जीरो की कहानी है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो एग्जैक्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन को आपने पढ़ लिया है कि आई पे चल रहा है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई समझ लो, ठीक है। तो इनिशियली जो उसके पास स्पीड है वो दी गई है वेक्टर के टर्म में, वी नॉट है और आई कैप है, ठीक है, इसके बाद ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन कैसा लगेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यही एक्सेलरेशन अपन को समझ में आता है, छोटा ई लिखते हैं, बड़ा वाला ई लिखते हैं और डिवाइड बाय एम कर देते हैं, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है, इस तरह से समझ लेते हैं, वेक्टर लगा दिए तो अल्टीमेटली राइट डायरेक्शन में वो वी नॉट पे चल रहा था और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में मिलने लग जाएगा, तो आगे चल के इसके पास एक नया स्पीड आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अपन पढ़ रहे हैं और एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या अपन कह रहे हैं कि v डैश मान लो, इसकी जगह पे हो जाएगा v नॉट प्लस आएगा बच्चों, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव इसलिए लगा है क्योंकि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में है, ठीक है, और डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू टी। अब यहां बात करते हैं अपन लोग वेवलेंथ की, जो होता है एच डिवाइड बाय एम इंटू वी, और पुराना वाला वेवलेंथ अपन को लिखना होगा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी नॉट, तो यहां लिख देता हूं मैं नया वाला वेवलेंथ, ये हो जाएगा नया वाला स्पीड एच डिवाइड बाय एम, और ये टर्म आपने फाइंड करके रखी है, ये लिख सकते हो बच्चों v नॉट प्लस ई ई डिवाइड बाय एम इंटू टी, ठीक है, v नॉट बाहर ले लो यहां से, तो हो जाएगा h डिवाइड बाय एम इंटू वी नॉट वन प्लस ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम, और एक v नॉट भी आ जाएगा बच्चों, और यहाँ t भी आ रहा है, ठीक है, ढंग से देखो ये है क्या, ये अपने आप में अपना पुराना वाला क्या है, ये लैम्डा नॉट का टर्म है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना लैम्डा नॉट डिवाइड बाय वन प्लस यारा ई ई डिवाइड बाय एम इंटू वी, ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही आएगा, ये वैल्यू आपकी न्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ की होगी, ठीक है, और यहां पे भी अपन लैम्डा डैश लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं।